दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपका अपना YouTube चैनल फिशिंग एंड ब्लॉग हिंदी में। दोस्तों, आपको पता है हमेशा आप लोगों के लिए मैं इस YouTube चैनल में फिशिंग करने के लिए नए नए बैट लेके आता रहता हूँ, यानी मछलियाँ शिकार करने के लिए नए नए चारा लेके आता रहता हूँ। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया चारा लेके, बहुत ही कमाल का ये भी चारा है। आप इस चारे को एक बार ज़रूर यूज कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस चारे का रिजल्ट कैसा है। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए चारे को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को भी तुरंत देख पाएँ और वो चारा बनाकर तुरंत आप मच्छी शिकार कर पाए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, यानी चारा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमेशा की तरह हम लेंगे इसमें गेहूं के आटे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक खास चीज़ है जिसको हमें यहाँ पे मिक्सिंग करना है, चलिए हम उसको पहले आपको दिखाते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में, और वो खास चीज़ है दोस्तों, ये अंडा। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, अगर तो समय लंबा लग जाएगा। आपने टोप, जी हाँ दोस्तों, ततैया का या फिर मतलब किसी भी कीड़े का अंडे से शिकार किया होगा। अगर आप शिकारी है तो आपको पता है कि ततैया जो होता है उनका भी टोपा से यानी उसका अंडा से भी शिकार करते हैं मच्छी। और उसके अलावा वो चींटी, जी हाँ दोस्तों, चींटी का भी अंडा से शिकार करते हैं। लेकिन क्या है कि हमें इतने आसानी से ततैया या चींटी का अंडा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, यह चारे को बनाने के लिए इसकी जगह पर हमें अंडे का यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, अंडा तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ततैया का या फिर चींटी का अंडा मिलने वाला है नहीं, यानी बहुत मुश्किल है उसको ढूंढना। तो उसके जगह पे हम इसको यूज करेंगे। ये नॉर्मल मुर्गी का ही अंडा है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी का नॉर्मल अंडा है। इसको जो है हमने हाफ फ्राई कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं चारा बनाने के लिए। अब इसको हम यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे पहले नॉर्मल, जैसे कि आपको हमने बताया, इस तरह से छोटा छोटा पीस में इसको टुकड़ा कर देना है, ठीक है, ताकि चारे में जो है ये मिक्सिंग हो जाए। और ऐसा मिक्सिंग नहीं करना है कि इसको पीस करके पूरा दही बनाना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसको थोड़ा थोड़ा जो है मतलब टुकड़े में, मान लीजिए छोटा छोटा टुकड़े में ये बढ़ जाए, इस तरह से हमको इसको कोच देना है, यानी इसको ऐसे ही दबा दबा करके कोच देना है। देखिए ये आसानी से कुचा जाएगा जब आप ऐसे दबाएँगे हाथ से। तो ये देखिए, ये जो है हो गया, ठीक है। अब इसमें हम सामान यूज करेंगे, जैसे कि आपको दिखा है गेहूं के आटे। तो चलिए हम इसमें गेहूं के आटे डालते हैं। एक अंडे का अगर हम एवरेज बताएं दोस्तों, तो एक अंडे में आप एक कप के हिसाब से जो है इसमें आटा डाल सकते हैं। ये वाली कप के हिसाब से आप एक कप डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम एक अंडे का बना रहे हैं, तो एक कप के हिसाब से डालेंगे। अगर आप एक अंडे का आपके पास अगर अंडे का क्वान्टिटी कम है, तो आप एक अंडे में दो कप के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक कप, ये लगभग एक कप के हिसाब से ये हमने डाल दिया है इसमें आटा। अब इसको रखते हैं साइड में। इसको साइड में रखने के बाद में फ्रेंड, इसको हम फिर से अच्छी तरह से पहले मिक्सिंग करेंगे, ताकि जो है अंडे का जो दाना है वो थोड़ा इसके साथ में मिक्स हो जाए। इस तरह से आपको मिक्सिंग कर लेना है दोस्तों। जैसे हमने आपको शुरू में बताया, आप में से कितने मेरे भाई, सच सच बताना कमेंट करके, कितने मेरे भाई है जो ततैया का अंडा से मच्छी का शिकार किया है, यानी ततैया का जो बच्चा देने से पहले जो अंडा जैसा होता है उससे जो है, कितने मेरे भाई है जो अभी तक मच्छी शिकार किया है। अगर नहीं किया तो वो भी हमें कमेंट करके बताए, और जो किया है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताए कि किसने किसने शिकार किया है। और जो मेरे भाई किया है उनके लिए यह चारा गजब का है, क्योंकि अब ततैया का अंडा ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काटते भी हैं तो दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप इस चारे को बनाइए, उस अंडे का काम यही करेगा। दोस्तों देखिए, हमने इसमें डाल दिए हैं अंडा और आटा, तो ये दोनों देखिए मिक्स लगभग अच्छी तरह से हो गया है। जैसे कि आपको बताया, इसमें अंडे का दाना है थोड़ा थोड़ा, और इसमें डालना है हमको बेसन। बेसन जो है दोस्तों, इसमें क्योंकि हमने पहले अंडा डाले हैं, उसका जो येलो वाला हिस्सा है वो भी लगभग चारा के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बेसन डालना है, उतना नहीं डालना है, थोड़ा डालेंगे। इसमें हम एक से डेढ़ चम्मच जो है बेसन डालेंगे, ऐसे ही एक से डेढ़ चम्मच आपको भी डालना है। इसके बाद में इसको फिर से हम मिक्सिंग कर लेंगे। इसको मिक्सिंग करने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दोस्तों
घी, जैसे कि आपको हमने पहले भी दिखाया है, इस तरह थोड़ा घी डाल देना है, क्योंकि ये अंडा का जो है सुगंध को और बढ़ाएगा अगर इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे तो। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं आपके सामने में। ये देखिए दोस्तों, घी लगभग हमने डाल दिए हैं, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि इसमें अंडा है तो उसका एक सुगंध अलग ही है, उसके बाद में फिर घी डाल देंगे तो ज़बरदस्त सुगंध हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने थोड़ा इसमें घी डाल दिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, ये तो चारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल पानी, इस चारे को बनाने के लिए नॉर्मल पानी ही हम लोग यूज करेंगे और करते भी हैं, तो आप लोग को भी नॉर्मल पानी ही यूज करना है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको भी डालना है ताकि ये कहीं गीला ना हो जाए। चलिए इसको साइड में रखते हैं पानी को, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लेंगे। एक चम्मच से जो है लगभग 3 से 4 चम्मच ही हमने डाले हैं, तो ये नरम हो गया और चारा आपके सामने गजब का कलर और गजब का इसका फ्लोर आपके सामने में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये देखिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि चारा को जो है जितना अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे उतना ही इसका पकड़ बनेगा, क्योंकि अंडा का दाना जो है वो चारे के साथ में लिपट जाएगा अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से मिक्सिंग कर लेंगे दोस्तों। हमेशा चारा बनाने के लिए, चाहे आप चारा कोई भी बनाएं, चाहे मेरा चारा बनाएं या आप अपने चारा बनाएं या किसी भी तरह का चारा बनाएं, पानी का क्वांटिटी हमेशा कम ही रखना है। अगर चारा गीला हो जाता है तो आप पानी में डालेंगे तुरंत जो है पानी में बिगड़ जाएगा, मच्छियाँ आने से पहले ही आपका चारा जो है हुक से छूट के बह जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है आप कोई भी चारा बनाएं, पानी का क्वांटिटी हमेशा कम रखें, यानी लिक्विड, चाहे आप जो भी लिक्विड चीज़ चारा बनाते हैं आप उस लिक्विड को कम क्वांटिटी में ही डालेंगे, ताकि चारा थोड़ा सख्त बने। उतना भी सख्त नहीं बनाना है, लेकिन इतना सख्त कि पानी में कम से कम 10 मिनट तक तो रहे चारा, अगर आप लगा के हुक में डालते हैं तो। ऐसा तो नहीं कि डाले और तुरंत छूट गए, फिर क्या फ़ायदा चारा बनाने का। तो इस तरह से आपको बनाना है। और बाकी देखिए दोस्तों, हमारा चारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा आपको हिस्सा जो दिख रहा है, ये बिल्कुल जैसे मान लीजिए जैसे चींटी का अंडा या फिर ततैया का अंडा को, मतलब मान लीजिए इसमें तोड़ के डाल दिए हैं, उस तरह से छोटा छोटा इसमें दाना दिख रहा है। अभी क्या है कि इस चारे को आप अगर ऐसे करके, मतलब अगर गुच्छा आप यूज करते हैं तो इस तरह से अगर बोल बना करके आप इस चारे को डालेंगे तो इसमें क्या है कि अंडा का भी जो दाना है ना साथ में जाएगा। अभी चारा, नॉर्मल चारा को मच्छी नहीं खाएगा, लेकिन अंडा जो दिखेगा तो उसको खाना ही पड़ेगा, और मच्छियाँ ये चारे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, तब आपको पता चलेगा। बाकी रहा सिंगल हुक में, तो आप उसको तो पता ही है, आपको काजू के हिसाब से सिंगल हुक में लगाएंगे। अगर आप फीडर यूज करते हैं तो फीडर में भी लगाएंगे, लेकिन ये फीडर में ये चारा थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको अंडा भी यूज करना है ऐसे, तो यह चारे को आप फीडर में यूज ना ही करें तो बेटर है। बाकी आप अगर चाहो तो कर सकते हो, वैसे हमने फीडर के लिए भी कई चारे बताए हैं, आप उन चारे को यूज कर सकते हैं। बाकी ये चारा जो है सिंगल हुक या गुच्छा के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कारगर है। आप इस चारे को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें जो है आपको हर तरह की वो मच्छी, जो मच्छी नॉर्मल चारे में नहीं लगता है, इसमें 100% लगेगा। इसमें आपका टेंगरा भी लगेगा, इसमें आपका जो है स्नैक हेड भी लगेगा, रहू भी लगेगा, तेलपिया भी लगेगा, गारंटी के साथ। आप इस चारे को एक बार ज़रूर ट्राई करें, तभी आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, इस चारे को आप ट्राई करते हैं और आपका मच्छी लगता है, तब आके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, इसलिए आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में फिर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो फिर जब भी अपलोड करें तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उस वीडियो को भी देख पाए। और ऐसे ही जो है हम हमेशा वीडियो अपलोड करते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर वीडियो को देख करके इस्तेमाल करते रहें और आप ऐसे मच्छी शिकार करते रहें, आप ऐसे मच्छियाँ शिकार करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए चारे के साथ किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।